चलो लोग बात करेंगे रॉकेट प्रोपल्सन की। रॉकेट प्रोपल्सन जो होता है वो बेसिक मैकेनिक्स के जो टॉपिक्स हैं उससे डिफरेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो फोर्स हम लोग नॉर्मली जो लेते हैं वो होता है मास इनटू चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये एम ए हो जाता है, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। रॉकेट के केस में ऐसा नहीं होता, रॉकेट के केस में जो फोर्स जो होता है यानी जो रेट ऑफ चेंज या मोमेंटम होता है वो आपका वेलोसिटी इंटू डी एम बाई डी टी लेता है, यानी मास में जो चेंज होता है इसके कारण फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो हम लोग इस लेक्चर में डिराइव करेंगे जो रॉकेट का वेलोसिटी होता है आफ्टर सम टाइम टी, इसका वेलोसिटी क्या होगा। इसके लिए कुछ एजम्पशंस हम लोग पहले से कुछ एजम्पशंस लेंगे, और एजम्पशंस है पहला जैसा एजम्पशन है जो हम लोग लेंगे वह यह है कि जो रॉकेट होगा वो इनिशियली एट रेस्ट होगा। रॉकेट जो है वो इनिशियली एट रेस्ट होगा, तो इनिशियल जब रेस्ट होगा तो उसका जो मोमेंटम होगा इनिशियल मोमेंटम वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा जो है जो रॉकेट है उसके अंदर कुछ फ्यूल होगा, कुछ फ्यूल होगा और रॉकेट का जो मास होगा वो होगा। तो टोटल एज ए फ्यूल को और हम लोग रॉकेट के मास को ओवरऑल जो मास है हम लोग उसको एम नॉट मान लेते हैं, ठीक है। एम नॉट हम टोटल फ्यूल अलॉन्ग विद द रॉकेट एम नॉट मानते हैं, ठीक है। और जो रॉकेट का जो फ्यूल है उसका जो बर्निंग रेट है, बर्निंग यानी रॉकेट का जो मास होगा वो घटेगा क्योंकि जो फ्यूल होगा वो बर्न होगा, तो मानते हैं कि उस फ्यूल का बर्न होने का रेट जो है वो कांस्टेंट है, यानी डी एम बाई डी टी जो है वो कांस्टेंट है, वो एज्यूम करते हैं आर के बराबर है, ठीक है। लेट समथिंग आर मे बी यानी कांस्टेंट, क्योंकि डी एम बाई डी टी कांस्टेंट है, ये फंक्शन भी हो सकता है टाइम का, तो आप यहाँ से इस बेसिक से ही आप लोग उसको भी कर सकते हैं डी एम बाई डी टी जो है अगर टाइम का फंक्शन हो गया तो। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं, डी एम बाई डी टी जो है वो एक कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग बात करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो जीरो है। हमने रॉकेट को पूरे रॉकेट को अलाइन विद द फ्यूल हम लोग एक सिस्टम मान लिए, ठीक है। तो सिस्टम पे नेट फोर्स नहीं लग रहा है, सिस्टम पे नेट फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि फ्यूल जो है वो क्या है, सिस्टम के अंदर हम लोग एज्यूम कर चुके हैं और फ्यूल जो है बर्न हो रहा है, तो ये सिस्टम के अंदर ही आ चुका है। तो नेट फोर्स जब जीरो है, ईएफ नेट ऑन द सिस्टम क्या है, जीरो है, तो मोमेंटम जो है लीनियर मोमेंटम वो क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे हम लोग सिस्टम का, तो इनिशियल जो है वेलोसिटी जीरो है इनिशियली, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो है, ठीक है। फाइनली मानते हैं कि अगर डी एम मास जो है इसमें से टोटल एम नॉट मास था पहले, उसमें से डी एम मास अगर बर्न हो गया तो कितना मास बचा, वो हो गया एम नॉट माइनस डी एम, इतना मास क्या हो गया, बच गया, ठीक है। और क्या हम लोग कह सकते हैं, अगर डी एम मास बर्न हुआ है, ठीक है, और आर अगर रेट है बर्निंग का, तो आर इंटू डी टी टाइम में क्या हुआ होगा, वो डी एम मास बर्न हुआ होगा, ठीक है। तो अब रॉकेट को कुछ टाइम टी के बाद सम आफ्टर सम टाइम टी हम लोग रॉकेट को फिर से एक बार देखते हैं पूरे सिस्टम को, तो हमने क्या देखा कि कुछ रॉकेट जो है रॉकेट का फाइनल वेलोसिटी मानते हैं टी टाइम के बाद वी हो गया है, ठीक है, और इसमें से डीएम मास जो है वो बर्न हो चुका है, और डीएम मास जो बर्न हुआ होगा तो क्या होगा, अगर फ्यूल है बर्न होकर मानते हैं गैस के फॉर्म में इजेक्ट हो रहा होगा बाहर की ओर, और मान लेते हैं उसका वेलोसिटी है आपका सम वेलोसिटी यू मानते हैं, अगर इसका गैस का बर्निंग वेलोसिटी जो है ये यू वेलोसिटी से अगर बाहर आ रहा है, ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होगा वो माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। और ये है इस सिस्टम का मास क्या हो गया होगा, एम नॉट माइनस डी एम हो गया होगा, ठीक है, और इसका वेलोसिटी वी है, ठीक है। तो हम लोग सिस्टम को पे क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सिस्टम को ब्रेक कर देंगे दो पार्ट्स में, एक ये गैस जो बर्न हो रहा है और जो दूसरा है गैस बर्न हो जाने के बाद जो सिस्टम बचा है ये। तो ओवरऑल अगर सिस्टम पे देखो तो नेट फोर्स जीरो है, ठीक है,
तो इन दोनों सिस्टम पे हम लोग नियर फोर्स देखेंगे। तो इस पे बात करें तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है गैस। और ये भी आप एग्जांपल्स में एज्यूम कर सकते हैं कि यू किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही क्या होगा, गैस इजेक्ट आउट हो रहा है, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल ही है। और जो मास है वो क्या हो रहा है, वो dm / dt, मास क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, मतलब dt टाइम में मास dm मास क्या हुआ है, निकल रहा है बाहर, ठीक है। तो इट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन मोमेंटम यानी dm / dt into वेलोसिटी, वो क्या है u है, माइनस यू डी एम बाई डी टी, ठीक है। तो नेट फोर्स इस सिस्टम पे इस डायरेक्शन हो गया। अब बात करें इस सिस्टम पे, तो ओवरऑल सिस्टम पे नेट फोर्स इन ओरिएंटेड डायरेक्शन या किसी भी डायरेक्शन में क्या है, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को निगलेक्ट कर दे रहे हैं, बाकी सब फोर्स को निगलेक्ट करके देख रहे हैं, बस इस सिस्टम को देख रहे हैं। तो इन दोनों सिस्टम पे नेट फोर्स क्या था, जीरो था। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए इसमें भी क्या होना चाहिए, इस पार्ट में भी इस डायरेक्शन में इतना ही फोर्स होना चाहिए, यानी सिस्टम इसको अगर सिस्टम वन कहते हैं तो सिस्टम वन पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, वो इफ इक्वल टू अगर माइनस यू डी एम बाई डी टी इस पे है तो इस डायरेक्शन में प्लस यू डी एम बाई डी टी होना चाहिए, प्लस यू डी एम बाई डी टी होना चाहिए, ठीक है। तो इस सिस्टम पर हमको नेट फोर्स पता चल गया। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा इस सिस्टम का, अगर नेट फोर्स पता चल गया तो वो हो जाएगा एक्सेलेरेशन, हो जाएगा फोर्स बाई मास। तो इस पर फोर्स कितना है, यू डी एम बाई डी टी, फोर्स हो गया dm by dt, dm by dt, और मास हो गया इसका m not minus dm, ठीक है, m not minus dm, इस पे नेट फोर्स हो गया। तो एक्सेलेरेशन ये हो गया। अब इस सिस्टम का किसी टाइम t पे हम लोग वेलोसिटी भी जज कर सकते हैं। तो एक्सेलेरेट हो रहा है, अगर सिस्टम एक्सेलेरेट हो रहा है यानी इसका वेलोसिटी भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो सिस्टम वन का dv by एक्सेलेरेशन जो है वो dv by dt एज्यूम करते हैं, एक्सेलेरेशन सॉरी डीवी बाई डी टी होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा, जैसे ही गैस इधर के स्किप करेगी डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी इसकी, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी इसकी भी जीरो थी, इसकी भी जीरो थी, तो अब फाइनली इसकी वेलोसिटी किसी टी टाइम पे वी हो गया है, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन को डीवी बाई डी टी लिखा हमने, और यू डी एम बाई डी टी क्या है, कॉन्स्टेंट है जिसको हमने आर माना था, और एम नॉट कैपिटल एम जो है एम नॉट था इनिशियल इसका मास था टोटल का, और डीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आर इंटू डी टी, यानी इतना मास क्या हो गया है, कम हो गया है। अब सिंपली आप वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पे निकाल सकते हैं, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और वो हो जाएगा आपका डी वी हो जाएगा यू आर, ठीक है, आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। तो लिमिट्स लगाइए, तो अगर टाइम टी जो है अगर जीरो है, टाइम टी जीरो होती है इसलिए इसका वेलोसिटी भी क्या था, जीरो था, किसी टाइम टी पे इसका वेलोसिटी वी था। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा माइनस जो होगा तो ये यहां पर चला जाएगा, नहीं पलट जाएगा ये आपका, ये जो हो जाएगा आपका, अब इस रिलेशन को एक बार ध्यान से देखिए, ये जो रिलेशन है बीच कल्टी यू एल एन एम नॉट वन एम नॉट माइनस आर टी, यानी जैसे ही टाइम बढ़ेगा, जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा फ्यूल बर्न होगा, ठीक है। तो टाइम बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा फ्यूल बर्न होगा, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, कम होगा, ये कम होगा, ओवरऑल ये कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा, और फाइनली ये ज्यादा हो जाएगा, यानी टाइम बढ़ने के साथ साथ इसका जो वेलोसिटी है रॉकेट का क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सो दिस इज ऑल व्हाट वी नीड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।